नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य दूरदर्शन न्यूज और मैं हूं रश्मि। तो चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की अहम खबरों पर। छतरपुर जिला के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में मतंगेश्वर महादेव मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए ना खोले जाने के विरोध में नगरवासियों और भाजपाइयों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कार्यालय में जाकर नारेबाजी की। इस दौरान अधिकारियों के बीच झड़प हुई। SDM राजनगर को अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया, इसके बावजूद भी SDM मौके पर नहीं पहुँचे। तहसीलदार के द्वारा समझाने पर भी श्रद्धालु नहीं माने और प्रशासन को झुकना पड़ा और मंदिर के द्वार खोल दिए गए। नगरवासियों और बाहर से आए श्रद्धालुओं ने सावन माह के सोमवार को मतंगेश्वर महादेव के दर्शन किए और खुशी व्यक्त की। लॉकडाउन के समय से बंद चल रहे मंदिर को आज भक्तों के लिए खोल दिया गया। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सावन की पहले सोमवार पर मतंगेश्वर महादेव के दर्शन सभी भक्तों को मिल रहे हैं, ये खुशी की बात है। लेकिन जो पुरातत्व विभाग की अभी तक लापरवाही रही है, अभी तक मंदिर बंद रहा है, सभी धार्मिक स्थल खुल चुके हैं और ये अभी तक बंद रहा है, ये दुख की बात रही। लेकिन आज जो खुल गया है ये मंदिर मतंगेश्वर महादेव का, एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है, लेकिन इसमें भी भक्तों को थोड़ा सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, मेरा ये कहना है। क्या नाम है आपका? आप यहाँ मंदिर के दर्शन करने आए तो कैसा लगा? ये बहुत अच्छा लगा। अभी तक तो आ रहे थे पिछले 3 महीने से, यहाँ विशेष आस्था है पूरे राजनगर खजुराहो क्षेत्र की। मैं भी लगभग प्रतिदिन यहाँ आता था तो अभी तक यहीं से दर्शन होते थे नीचे से, लेकिन आज सावन का पहला सोमवार है तो बहुत अच्छा है कि अंदर तक जाने को मिला। किसी की बात है, बाकी शासन के हर निर्णय में हम साथ में हैं, जैसा भी शासन के निर्देश होते हैं उनका नियमों का पालन करते हैं। आज ऊपर तक जाने का, बिल्कुल गर्भगृह तक जाने का मौका मिला तो बहुत ही खुश हैं। और आज के दिन बाबा मतंगेश्वर के दर्शन लाभ मिले, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और ये बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो। आज सावन का पहला सोमवार है, जिस उपलक्ष्य में आज महादेव मतंगेश्वर महाराज के दर्शन किए हम लोगों ने, बहुत ही अच्छा लगा। और सुबह से ही पानी गिर रहा था, अभी शाम को मौसम खुला है तो सभी लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, पूरे नगरवासी। और मतंगेश्वर महाराज का आशीर्वाद है सभी के ऊपर, उनकी कृपा बनी रहे। जय मतंगेश्वर महाराज। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल दिव्य दूरदर्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।